पीलीभीत को बांसुरी का शहर कहा जाता है। लोग यहाँ पर, कारीगर यहाँ पर बड़ी मेहनत करके बांसुरी तैयार करते हैं और देश और दुनिया में यहाँ की बांसुरी जाती है। हिना परवीन जी हमारे साथ हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 56 इंच की बांसुरी तैयार की है और बकायदा उसकी तस्वीर भी इनके पास है। और आज पीलीभीत में इस चुनावी मंच पर प्रधानमंत्री को वो बांसुरी दी जाएगी, इनके परिवार के द्वारा वो बांसुरी दी जाएगी। क्यों ये बांसुरी बनाई और क्या खासियत है इस बांसुरी की? देखिए, मेरा पुश्तैनी काम बांसुरी का है, तो मेरी ये जिम्मेदारी होती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर मेरे शहर में बांसुरी नगरी में आए तो मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी होती है, मैं उनको गिफ्ट के तौर पे क्या चीज दूं। तो मेरे लिए तो सबसे कीमती चीज मेरे लिए बांसुरी ही है और 56 इंच की बांसुरी मैंने इसलिए बनाई कि माननीय मोदी जी 56 इंच की सीने वाले व्यक्ति कहलाए जाते हैं, तो बस इसी उद्देश्य से मैंने उनको बांसुरी बना के। क्या लगता है आज कौन आपको परिवार से वो बांसुरी उनको देगा? मेरे भाई हैं, माननीय जिला अध्यक्ष जी हैं संजीव प्रताप जी, मैंने उन्हीं को हैंडओवर की है, वही बांसुरी को उनको समर्पित करेंगे। क्या लगता है ये बांसुरी बनाने में कितना वक्त लगा और क्या खासियत क्या है इस बांसुरी की? उसको बनाने में तीन चार दिन लगे हैं और खासियत ये है कि 56 इंच की है, उसके हिसाब से मैंने स्पेशली योगी मोदी जी के लिए मैंने तैयार की है। इससे पहले भी आप कई बांसुरी बना चुकी हैं? पहले भी मैंने अयोध्या के लिए 21 फीट 6 इंच की बांसुरी भेजी है। कितना अच्छा लगता है अब जब ये बांसुरी या पीलीभीत की जो पहचान है उसको आप प्रधानमंत्री को आज भेंट करेंगी? जी, मेरे यहाँ की पहचान है और फिर मेरी आन बान शान सब कुछ यही है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य का पल है कि मैं आज मोदी जी से मिल रही हूँ और अपनी बांसुरी को उनको भेंट कर रही हूँ। तो ये हिना परवीन है, पीलीभीत की रहने वाली हैं, जोश में है, उत्साह से भरी हुई हैं और ये कह रही हैं कि बांसुरी के काम में कई सालों से ये लोग काम कर रहे हैं और ये इससे पहले भी कई बांसुरी यहाँ पर बना चुकी हैं, लेकिन 56 इंच की इन्होंने बांसुरी बनाई है जो आज प्रधानमंत्री को मंच पर भेंट की जाएगी। कैमरामैन नरेश के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 पीलीभीत।